सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग पर। आज है राखी का दिन और आज है 31 तारीख। राखी के अवसर पे मैंने सोचा, काफ़ी टाइम हो गया, 5 महीने हो गए हैं और तो तब से ब्लॉग नहीं आ पाया है। काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, राखी के टाइम पर ही मैंने सोचा राखी से ही ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो अब से जब जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि आजकल बिजी हो गया हूँ काम वाम के चक्कर में, उससे ब्लॉग आता रहेगा। हफ्ते में 2 या 3 ब्लॉग आते ही रहेंगे। तो आज है राखी का दिन और मैं हूँ अभी ससुराल पर, और ये अजय, ये मेरे, ये मेरा सालिग्राम है और ये है की लड़की। हाय कह दो, हाय कह दो, हेलो निहारिका, हाय कह दो। इसका नाम है निहारिका और बहुत ज़्यादा क्यूट है और इसकी वीडियो बनाऊंगा। बुलाते हैं सब परिवार लोगों से, आज राखी का दिन है और बड़े भाई छोटे भाई सब लोग से मिलाएंगे आप लोग। अभी चलते हैं अंदर की तरफ से। तो भी राखी बांध दी है, ये है अंजू की वाइफ सुनीता है इसका नाम। तो अभी मुझे राखी बांधी, सबसे पहले राखी मुझे बांध दी है मुझे अभी। तो ये नाम में मैं 2 रुपये देना था। तो ये है मेरी वाइफ, आप सभी को मिलाता हूँ अपनी वाइफ से। इसको बहुत शर्म आती है, हंसती है कभी इससे। और ये है मम्मी, ये मेरी मम्मी है। और ये है पापा, इधर पापा इधर पे खड़े हुए हैं। यहाँ पापा यहाँ करके मुख्य हैं सबसे बड़े। तो अभी धीरे धीरे आपको सभी से मिलाएंगे, सारे परिवार वाले से मिलाएंगे। ये मेरी तरफ से, ज़्यादा नहीं है थोड़ा बहुत। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, देखो साथ में जोड़ी कैसे लगी। और ये इनकी लड़की है, इसका नाम निहारिका है और इनके वाइफ का नाम है सुनीता, ये है अजय। तो मिलाएंगे आपको ऐसे करके, और भी फैमिली है यहाँ पे, तो बने रहिएगा वीडियो पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है, कुछ कह रहे हैं हमारे आएंगे। धन्यवाद। तो भाई सबको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे एक फोटो लगी हुई है, इस पर की फोटो है, फैमिली की, मेरी भी है, मम्मी पापा की है, तो आप लोग सोचोगे वंशी का नाम किसका है। तो वंशी का नाम इसका है, मेरे भाई का, उसका नाम वंशी का है और सीता है। तो अभी वंशी का अपनी भाई, सबसे छोटे भाई को राखी बांधने जा रही है। तो अभी लगाया जा रहा है इधर पर टीका और बांधी जाएगी राखी। मम्मी भी खड़ी है, मम्मी इधर पे, मम्मी भी सर घस के तैयार होके, क्योंकि मम्मी जैसे अभी मम्मी चश्मा भी पहनेगी। अपना मम्मी का घुमा दे, एक्चुअली ग्लोबल घुमाया है, नकली वाला पहना है या नहीं होता हम भी कहते आर्टिफिशियल। तो राखी अभी मिठाई खिला रहे हैं, राखी बात दी पहले, राखी बात पूरा ले लो बेटा, इसको पूरा लो, राखी बांधी नहीं पहले मिठाई खिला दी। आरती ही आरती कर रही है, इसका घर पे नाम आरती है वैसे, सब लोग आरती आरती बोलते हैं और इसके नाम वंशिका है, तो मैं वंशिका बोलता हूँ। देखा तो अपना लगा के देखा, ये आयुष है, लगा लगा आंख पर लगा, इतना बड़ा चश्मा लेके आया, लगा चश्मा, ये छटांग भर का चश्मा, कितना बड़ा है इसका, 50 ग्राम का है, अपना है, आज क्यों लोग चश्मा लाया साथ। तो अभी आपको अपने ससुराल का पूरा घर दिखाऊंगा, कितने बड़ा है, कितने रूम है, कितने बड़े थे। तो ये लाया अपनी बहन के लिए, और साड़ी लाया था, खूबसूरत लग रही है, तो देख सकते हैं इसमें ऊपर से 100 का नोट भी दिख रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है डिजाइन। कैसी लग रही साड़ी, पसंद आया? थैंक यू, वेलकम। क्या कहते हैं, भाई बहनों का त्यौहार होता है, ऐसे चलता रहे आगे को भी। और हम दोनों को देख के कैसा लग रहा है? तुम दोनों को देख के हमें बहुत बढ़िया लगा है, अच्छा लगा, बाद मिला था, तो बहुत अच्छा लगा।
तो ये हमारी सबसे बड़ी दीदी है, मतलब वंशिया के सबसे बड़े भाई की वाइफ है, तो मेरे सबसे बड़े जेठू हैं, तो उनसे भाई थे, तो अभी ये आए हुए हैं राखी बांधने के लिए। हमारे बड़े दादा हैं, सबसे बड़े दादा हैं वंशिका के, सबसे बड़े भाई, तो अभी वंशिका राखी बांध रहे अपने सबसे बड़े भाई को, मिठाई खिला दी है। बड़े दादी ने इसको पैसे गिफ्ट किए हुए हैं, दिखाओ कितने किए हैं, 500 रुपये गिफ्ट किए हैं, तो 500 में देखिए बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, आइए आप समझ सकते हैं। ये भी मेरे छोटे सालिग्राम हुए जो से बड़े वाले, तो इनका राखी बांध रही है। गाइस मैं भी आ रहा हूं, तो आता रहेगा, आगे चढ़ जा, आगे चढ़। तो ये राखी बांध दी है हमने, कोई नहीं, तो ये हमारे प्रकाश दा की वाइफ है, इनका नाम हेमा है, तो मेरे बड़े वाले जेठू से जो छोटा वाला जेठू है उनकी वाइफ है, तो अभी ये भी आया है राखी बांधने के लिए। अभी सीता बांध रही है निहारिका को राखी, मेरे कितने छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, निकाल दे दो सारे निकाल दे, तो काटो को ले लो, काट ले तो फाइनली मुझे सब लोग राखी बांध चुके हैं लगभग, पूजा से मेरे और थोड़ी देर को बचाने के लिए राखी थोड़ी छोटे छोटे जाकर आएंगे, थोड़ा तो आगे लगा रहे हैं, छोटे छोटे लगा रहे हैं, पीछे लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, सुबह छोटे छोटे लाया पर काम में लाया पर हम कुछ मोले छोटे 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 बच्चे छोटे छोटे हमारा हिंदू कल्चर का दिवाली इतना पवित्र है और अच्छा होता है कि मतलब थोड़ा ध्यान से देना चाहिए, बच्चे ज्यादा वो जाते हैं, क्या बिगड़ जाते हैं, समझ देना चाहिए, बच्चों को दे रहा हूँ नमस्ते, पढ़ाई नहीं यार, पता नहीं राखी बांध रहे हैं, राखी तो अभी लगा रही है वो टीका,
तो देखो छोटे छोटे हाथों से बच्चे बड़े चोट लगते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े वाले काम करते हैं। अगर आप थोड़ी सी स्माइल करना चाहें तो देख के, आवाज़ तो आई नहीं है। अब आगे सीता ने अभी निहारिका को राखी बांधी थी, वो सीता के लिए गिफ्ट लेकर आई है। देखो मैं गिफ्ट पकड़ो, पकड़ ले, दे पकड़ो, देखो थैंक यू बोलो, वेलकम बोलो बाबू। और बाद में वापस दे दीजिए मम्मी, क्योंकि तो तुम उनकी राखी के लिए जाओ। चलो ठीक है, तो अभी माही आ रखी है सीता को राखी बांधने के लिए। माही जो है वो हमारे प्रकाशा की लड़की है, सबसे बड़े वाले के बाद छोटी वाली, तो सीता को आइए राखी बांधने। देखो ये सीता बांध रही है अभी सौर्य को राखी। सौर्य ये जमीन का लड़का है ना, ना जमीन का नाम, तो सौर्य जो है ये नवीन का लड़का है, जो मेरा साला है उसका बड़ा लड़का है ये। तो अभी सीता सौर्य को बांध रही है, अभी से भी आ चुका था, अभी से भी मजा आएगा राखी। बढ़िया उनके दो लड़के हैं, अभी छोटा वाला आ रखा है। और सीता ने राखी बांध दी है, तो सॉरी गिफ्ट लेकर आया सीता के लिए। खड़े हो, आवाज नहीं आ रही मुझसे। अरे पहले पांव छूते हैं, प्रणाम। पांव देखो पहले छू दिया। सॉरी का भाई आ चुका है छोटा वाला, इसका नाम काव्य है। तो अभी सीता इसको भी बांध दे राखी। कितने छोटे छोटे भाई बहन है, छोटे छोटे क्यूट क्यूट बिल्कुल। ये देखो ये इधर खाली बैठी है पीछे से। ये तो बहुत ज्यादा शैतान है, बहुत ज्यादा खुली है और बोलती ही बहुत ज्यादा। इसकी वीडियो बनाऊंगा मैं, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा अलग से। राखी बंधवा लीजिए, राखी बंधवा ली, बाय। दीदी के लिए गिफ्ट मांग के ले आओ, जाओ दीदी के लिए गिफ्ट नहीं है। सॉरी दादा ने तो इसको पैसे दिए राखी बांध के, तू नहीं दे रहा, रुक जाओ कह रहा, चले गया, चले गया, रुक जाओ कह रहा है, अभी आता है देखते क्या लेके आता है। तो अभी वंशी के बाद पापा को राखी, तो बहने लोग जो होते हैं सारे भाइयों को राखी बांधते हैं, पापा को भी बांधते हैं राखी, क्योंकि पापा भी रक्षा करते हैं। तो एक प्यार से बांधना होता है, माँ बाप बच्चों का प्यार होता है। पापा को बांध दिया राखी, अब मम्मी की बारी। अभी मम्मी आ रही है सज सज के सवर के। बहना हाथ धो यार, चल भी सर। तो ये हमारे मम्मी जी और अभी उसको बांध रही राखी, आज क्या राखी। तो अभी ये कितना बचे हुए हैं, इनका वेट कर रहे हैं। तो जिनका वेट कर रहे थे हम, वो अभी आ चुके हैं। तो ये हमारे प्रकाश था, जो सबसे बड़े वाले भैया हैं, उनसे छोटे वाले हैं। तो अभी ये आ चुके हैं राखी बंधवाने के लिए। तो अभी वंशी का राखी बात है अपने भैया में, वो यहाँ पर कितने लोग खड़े हुए हैं, ये लोग सब लोग देख रहे हैं। और सीता को बहुत देर से पीछे वेट किया जा रहा है, छुपी हुई है वीडियो में, कितने वीडियो में देखे हुए, लेकिन यहाँ पर है। सुन देगा पापा, बुला रहे गंदी लगी पापा, सुन रहे तू कह रहे एक पट्टी यहाँ एक पट्टी, ये किसको कह रही है, ये वाली पट्टी कह रही है, ये तो आ गया इसमें नहीं लगेगा ना, गिफ्ट भी बाहर रखा है, ये वाइट में ये पाला धर दिया नहीं समझ लगा, ओ मजाक कर रहा हूं मैं। ये अभी सुनीता हमारे लिए खीर ला चुकी है, तो ज्यादा खीर रखी हुई है, तो हम खा रहे हैं खीर आराम से। तो फिर फाइनली अभी सारे भाइयों ने राखी
बदवा नहीं है, मुझे ये बात नहीं है कितनी ज़्यादा महंगा है। तो अभी खाते हैं किए और करते हैं इंजॉय, और आप लोग भी, आप लोग को भी सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे हमारे सबसे बड़े दादा के जो लड़के हैं, सबसे बड़ा लड़का हिमांशु, तो अभी आया सबसे लास्ट टाइम आया है, तो इसको बात कर रखी है। तो लास्ट में यही बच्चा हुआ था, इसमें आपको बात रही है, उसका नाम है हिमांशु, अभी से का बड़ा भाई है। बहुत ज़्यादा क्यूट है, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कैसा लग रहा है अभी? चॉकलेट खाते रहना है अभी। थैंक यू बोला दादा को, वेलकम। ओके तो ये छोटे भाई की बात है, ये छोटी है, ये बड़ी है, सबसे बड़ी। अरे क्या बात, अरे यार नहीं बनाने दे रहे। और ये बड़ी दीदी के सबसे बड़ा लड़का है गोलू, उसका नाम है गौरव। हेलो, तो अभी सबसे मिलाएंगे, एक छोटा लड़का और है मनीष, अगर मनीष मिलेगा तो किसी को मिलेगा। की रोरी निहारिका की रोरी, पता नहीं यार। राखी मिल चुकी है, इसकी लाइट वाली राखी ली थी, रोन लग गई थी, मेरी राखी नहीं मिली, तो ऊपर मिली हमको। मुझे भी चाहिए, इसका के जैसा मुझे भी चाहिए। इसको जलाना, इसको जलाए रख प्लीज, थोड़ी देर इसको सॉफ्ट करने के लिए दे दे। थोड़ी देर तू कर ले, तेरी बुआ कह रहे ना। अरे परिवार इकट्ठा राखी का त्योहार मना रहे, अरे तुमसे पूछो मुझसे क्या बात है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, हर बार खुशी होना चाहिए, सब परिवार बढ़िया होना चाहिए। हाँ तो कैसा लग रहा है फिर अपने मायके में? मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ। ये तू बांध लेना ले, आपके साथ आके मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि आप मेरे साथ हैं। और दीदी को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आगे बोलो ना। अरे अभी रुको, मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ। मैं अपने पापा को राखी बांध रही हूँ, क्योंकि मेरी पापा की बहन है यहाँ पर नहीं है, बीमार हो रहे हैं, बीमार हो रही है, जल्दी ना ये आज बहुत मतलब बहुत खुशी का दिन है, इसलिए मैं खुशी से अपने पापा को ये राखी बांध रही हूँ। और हमको खूब ज्यादा आशीर्वाद देना दोस्तों, और क्या कहते हैं, आज हमारे बहुत खुशी का दिन है, भाई बहन का त्योहार है, साल भर में एक बार आता है, और आप लोग भी खुश रहिए और हम भी खुश रहे, आप परिवार सही खुश रहे, इसलिए हमको लाइक करना। मेरे पापा की ये जान है, इनके लिए खूब ज्यादा मेरे पापा को लाइक करना। ये देखिए, ये बहुत मतलब हम लोग बहुत खुश रहते हैं, खूब सीखते हैं, सीखते हैं, सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है। कोई भी गिटार भी है, हारमोनी है, ढोलका है, और नाल है, और हुड़के हैं, ये सारे वाद्य, ये संगीत को हम सिखाते हैं। कोई आज ऊपर है, ये यहाँ का संगीत रूम है, किसी को भी अगर सीखना हो तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। ये यहाँ का एड्रेस और पता बता दो, यहाँ का एड्रेस है
यहाँ का एड्रेस है ब्लैक साइड कंपाउंड अलमान हाउस 7 नंबर नैनीताल। कोई भी बच्चा सीखना चाहे ढोलक बजाना हारमोनी सब चीज का मतलब गिटार गिटार भी है सब है। गिटार अभी रखा नहीं है, गिटार भी है। गिटार कहाँ है? तो क्या कर रही है शैतान निहारिका? ये तो है कि वहाँ है तुम्हारा है। निहारिका पियानो बजा रही है। तुम्हारा इसे पियानो क्या कहते हैं? हारमोनियम। हेलमेट तुम्हारा है? हाँ ये हारमोनियम। तो ये माउंट, इसका माउंट बैग पर रखा हुआ है। यहाँ को आते समय मैं करते हो? हाँ ब्लॉगिंग भी करते हो सब। यूट्यूब में जो मेरा मन पड़े सब, उसका नाम ही है एवरीवन डिजिटल। एवरीवन हर एक भी ये देखो निहारिका हारमोनियम बजा रही है। इतनी छोटी बच्ची शाम तक आ जाएगा। एडिटिंग कब करूँगा मैं अभी थोड़ा। तो गाइस तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत साल पुरानी चीज़ें जो होती है ना, मतलब बुजुर्गों के टाइम की चीज़ें जो होती हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है। तो एक पड़ा हुआ यहाँ पर पापा का पड़ा हुआ है, मेरे ससुर जी का। तो ये पड़ा हुआ है, टेप रिकॉर्डर है। तो ये अभी भी चलता है। और इतना मतलब कितने साल पुराना होगा? कम से कम 35-40 साल पुराना है ये। तो अभी भी पड़ा हुआ है। तो कुछ लोग होते हैं ना ओल्ड स्कूल कहते हैं, जो पुरानी चीज़ें वो रखे रहते हैं संभाल कर। तो पापा की आदत है पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखना, कोई भी चीज़ को बेचते नहीं है। तो ये अभी तक पड़ा हुआ है, तो आप लोग को दिखा देना है, उसको रख देना अभी। इनका संगीत रूम है, पीछे देख सकते हैं जैसे कि सारा मतलब यहाँ पर हारमोनियम उनका गिटार विटार भी रखा पड़ा है इनका। फिर लंच का टाइम हो गया, लंच करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। आ गया हूँ बाहर को, और बाहर से दिखाता हूँ, यहाँ पे से एक घर दिखाता हूँ अपने ससुराल का। मतलब है 3 मंजिला है, तो यहाँ से दिखाता हूँ आपको। मैं गेट से नीचे आ गया हूँ, तो अभी आपको ऊपर को दिख रहा है ऊपर तक। तो ये पूरा जो पिंक कलर का है पूरा इन्हीं का है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सारी इन्हीं की है। मैं आपको आपको आगे कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये बाइक सारी इनकी हुई है इधर पे, और ये नीचे दुकान से सारी इनकी है, और ये पूरा ऊपर तक इन्हीं का है। और गमलों का सब बहुत ही इन्हें ये है। आगे की रोड पूरी वो आगे तक है पूरा, और पापा भी खड़े हुए हैं वहाँ पे। वो ऊपर माही खड़ी हुई है, हाय बोल रही है इधर से, और काफ़ी ऊपर तक। अभी मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ, थोड़ी जाऊँगा ऊपर को, फिर दिखाऊंगा ऊपर से।
और यहाँ पे टेंट और टेंट का सामान रखे रहते हैं, तो इधर टेंट का सामान भी रखा हुआ है। गोदाम एक गोदाम ऊपर भी है टेंट का, तो अभी ऊपर चल के जाएंगे तो इधर अभी टेंट का सामान किराए पे जा रहा है कहीं पे, तो इधर इधर ही काम करते हैं, तो ऊपर वो खड़ी है वहाँ पर बनती है देख रही है बाहर को, सीता भी खड़ी है वहाँ पर, तो चलते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर तो की नज़ारा दिखाते हैं आपको ऊपर से कैसे दिखते हैं। सीता क्या कह रही, खाना खा लिया? तू क्यूट है? नहीं है, नहीं है, क्यूट है गाइस, कमेंट में बताइए। तो भी बालकनी में खड़े होके यहाँ से बहुत ठीक होती है मुझे, मैं नीचे वीडियो बनाता हूँ, उससे कहती हूँ शक्ल से सुंदर हो या ना हो वो मैटर नहीं है, तब कैसा है, बस व्यवहार अच्छा होना चाहिए, प्यार करने वाली होनी चाहिए, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और लोग क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है, रिश्तेदार पब्लिक, इससे वो मैटर नहीं है, तो कहते रहेंगे तुम अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, बुरा करोगे तब भी कहेंगे, उनका काम है कहना, इंसान खुद खुश रहना चाहिए, अपने घर वालों को वाइफ और सब खुश रहना चाहिए, बस इसमें उसको जो उसको अच्छा लगता है वो सब करना चाहिए, तो बस बाकी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, मैं बस मैं ऐसे बनाते रहूँगा, खास और शुरू तो बनते ही रहेगा। तो गाइस राखी में इसको जो जो गिफ्ट मिले, तो एक काम करते हैं आपको दिखाते हैं गिफ्ट क्या क्या मिले। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर को, तो दिखाते हैं गिफ्ट क्या क्या मिले हैं इसको। तो यहाँ पे इसने अपने सारे गिफ्ट रखे हुए हैं, इसे क्या क्या मिले हैं ये टिक करके दिखाती रहेगी, और किस किस लिए है वो भी दिखाती रहेगी। और मुझे मम्मी पापा ने सरप्राइज़ दिया हुआ है, मेरे लिए कपड़े खरीदे थे तो मुझे अभी पता चला, और क्योंकि उन्होंने अभी दिया मुझे, मुझे क्या दिया था मैंने, तो मुझे एक टी शर्ट दी है, साइड है, और एक जैकेट लिए पापा ने, और एक कोट पैंट का कपड़ा लिया हुआ है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ से देख रहे हैं चॉकलेट का डिब्बा दिया जो हिमांशु ने दिया था सीता के लिए, और ये सारी साड़ियाँ हैं, सूट है, चार भाइयों ने चारों ने गिफ्ट किया है, और कुछ अमाउंट भी गिफ्ट किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है, खुश है। तो मैं यहाँ की फ़ोटो दिखाता हूँ, सारी फोटो तो ये मैंने बनवाई थी, इसमें मम्मी पापा और हम लोग की है, दीदी भी है, सीता भी है, और यहाँ पर कुछ एल्बमें लगी हुई हैं पुरानी, ये पापा का मेरी पुरानी फोटो है, और इधर तो भी लगी हुई है, यहाँ पे सारे दादा लोग हैं, बड़े भाई लोग हैं सारे इसमें, और इस पर यहाँ पर काफ़ा लोग राजेंद्र लोग अच्छू, इधर है अच्छू, ये अच्छू तो छोटा था, ये तक की फोटो है, और अभी अपने वीडियो में देखा ही होगा अच्छू में कुछ चीनी आ चुके हैं जो इनके कारण आए हैं, रात में खाना नहीं खाया इसने, क्यों खाना चाहिए खाना मैं तो एक छोटी डेयरी में खा लेता हूँ, छोटा नहीं खा लेता, बड़े वाली बात में खा लेता हूँ, नहीं वाली खा लेता हूँ, मैं तो फाइव स्टार कर रहा हूँ, डेयरी में यहाँ पर कैमरा है, वीडियो करके मेरे को। तो गाइस सबको लेके चलते हैं किचन पे, और किचन पे बना रखा है, इसको कहते हैं ये अज्जू की वाइफ है, इनको प्यार से सोनू सोनू बोलते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या बनाया है, सलाद तो बड़ा अच्छे से सुधार करने, ककड़ी टमाटर, ये रही चटनी, और ये चटनी किस चीज़ की है, ये पुदीना हरा धनिया, अच्छा और सब सब और क्या क्या बना रहे हैं सब्जी में, दाल है, आलू बैंगन की सब्जी है, चावल है, और ये मीट हो गया, और दाल दिखा सकते हैं,
बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये दाल तो दिखने में काफी अच्छी लग रही है। किस चीज की दाल है? ये मिक्स दाल है, राजमा, चने, कैसी बनी है? खीर बनाई है, और तबलों में मानना है उनको मत कर बेटा, बाल काट वीडियो बना। तो गाइस अभी लग गया लंच टाइम, तो अभी सोना ने हमारे लिए लगा दिया खाना, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, हम आराम से बैठ के खा रहे हैं। और इसका भी बैठने वाला है, इसीता मैं और और माया भी देख रहे हैं। उसका नाम मैं हमने गिरजू रखा है, माया का नाम काम करती है। तो खाने में अभी आपको दिखा देते हैं, तो अभी हम लोग कर लेते हैं लंच। लंच के बाद मिलते हैं आपको, शायद हम मिल जा सकते हैं। तो खाना खाने से पहले मुझे एक टास्क लगती है, उसके बाद खाना खाना स्टार्ट करती है। छोटी बैठी हुई है, ये बहुत शैतान है, ये हमेशा खाते रहते हैं। इसका नाम निहारिका है। थैंक यू बोल देंगे, आवाज़ नहीं आई। तो अभी खाना खाते, खाना खाने के बाद मिलते हैं। का ये चीज़ सुनकर तो नीचे वाले का ऊपर वाला है, ये दूसरा मसला है। तो ये आपको दूसरे मंजिले का दिखा रहे हैं, तो टेंट सेट लगा हुआ है और गोदाम भी यहीं पर, ये टेंट हाउस का लग गया। और यहाँ से ऊपर को तीसरा मसला है, आपको दिखाएंगे बाद में। तो अभी जा रहे हैं हम नीचे को, थोड़ा मार्केट की तरफ को जा रहे हैं घूमने के लिए। तो गाइस लंच हो चुका था हमारा और अभी शाम के बज रहे हैं 4। तो अभी हम लोग निकले हैं घूमने के लिए, तो मैं, मेरी वाइफ और इशिता और नैन्सी आई हुई है। तो इशिता और नैन्सी दोनों जा रहे हैं आज जाके को, और हम लोग चल रहे हैं पीछे पीछे। हम लोग जा रहे हैं नीचे मार्केट की तरफ को, देखेंगे बोटिंग भी कर सकते हैं। और खासकर तो हम लोग जा रहे हैं ट्रॉली में घूमने के लिए, तो नीचे हम जाएंगे पहले बैठेंगे ट्रॉली पे, फिर ट्रॉली में बैठ के हम लिफ्ट द्वारा आएंगे ऊपर। फिर ऊपर से हमारा ससुराल पड़ता है नज़दीक, तो हमारा कुछ इस तरीके का प्लानिंग है। तो मैं ट्रॉली में पहली बार ही बैठूँगा, इससे पहले मैं बैठा नहीं हूँ, ये तो बैठी है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये दोनों चल रहे हैं आगे आगे, तो दोनों की पता नहीं क्या बातें होती रह रही है। और नैन्सी तो आज बाल खुले छोड़ रखे हैं, और सीता खींच खींच के ले जा रही है नीचे को। हाँ नंदू, तो गाइस यार हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो अभी रास्ते में बैठे हुए हैं, क्योंकि जब से घस निकले हैं डाउन ही डाउन आने में लगे हैं। और डाउन में लगातार चलते रहने की वजह से पाँव में थोड़ा ढीला बन चुका है, जो कि ये सब लोग इस तरीके से बैठ चुके हैं। ये तो खैर मुझे आदत है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमें आदत नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं बाइक से जाते हैं, चलने की आदत नहीं है। तो भी थोड़ा यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं बस, वोटिंग तो आज नहीं कर रहे हैं, वोटिंग का हमने प्लान कैंसिल कर दिया है। तो बोटिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो प्लान हमें कैंसिल कर दिया। हम करेंगे सीधे अभी ट्रॉली पे, तो अभी सीधे यहाँ जाएंगे ट्रॉली पे, फिर बनेंगे सीधे ट्रॉली से। तो वीडियो बने रहेगा, वीडियो में दिखाऊंगा आगे को आपको। और हम जा रहे हैं, जोर से बोलना आवाज नहीं आएगी, हम जा रहे हैं ट्रॉली के पास। तो अभी हम आपको मिलते हैं बाद में भाई। गाइस हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो हम वहाँ पे को मस्ती करते हैं। तो क्या है वो ट्रॉली ट्रॉली स्टैंड क्या है इसका नाम? ट्रॉली स्टैंड इसमें भी तो रोप पे लिख रखा है यहाँ पे, एंजॉय फैमिली लाइफ। गाइस ये देखो पीछे जा रहे हैं लोग, क्या है मेरा नाम दिया है। ओके गाइस तो हम मिलते हैं अगले। तो अभी हम लोग हैं ट्रॉली वाले ट्रैक पर, तो अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी फिर से थोड़ी बहुत चढ़ाई आ चुकी है, तो लगभग हम पहुंच ही चुके हैं। तो अब यहां से हम ट्रॉली पे बैठेंगे, अभी देखते हैं टिकट कितना है। लोकल वाले के लिए कम है, और जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए है ज़्यादा।
देखते हैं, क्या पता वहाँ फोन या कैमरा अलाउ ना हो तो क्या पता मैं वीडियो ना बना सकूँ। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से पहुँचेंगे हम सीधे स्नो व्यू, और स्नो व्यू से फिर घर नज़दीक हमारा। तो गाइस अभी हम लोग को टिकट मिल चुका है, 4 टिकट ले लिए हम लोग ने और हम जा रहे हैं। देखते कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अरे यार हेडक्वार्टर में नहीं थे पिक्चर हुआ चलो पहुंच गए स्नो व्यू, और स्नो व्यू पॉइंट पे है अभी हम लोग। तो यहाँ पर पूरा दिखता है, अभी कोहरा पड़ा हुआ है तो इसलिए कम कम दिखता है, वीडियो पे शायद दिखे या ना दिखे। तो अभी हम लोग थोड़ी बहुत फोटो क्लिक करें यहाँ पे, और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पर का व्यू काफ़ी अच्छा है, और पेड़ पौधे हैं चारों तरफ से हरे भरे, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अभी थोड़ा हल्का हल्का बारिश का मौसम भी हो रहा है, हेलो गाइस, हम स्नो व्यू पे और यहाँ पे बारिश पड़ रही है, और ऋषिता के लिए ये वो लिया है, चश्मा लिया है। देखो कैसा लग रहा है, बताना ऋषिता कैसा लग रहा है आपको? बहुत पसंद। मेरे पापा ने मुझे लिया है। हाँ तो गाइस देखिए, स्नो व्यू में साइकिल चल रही है हवा पे, तो यहाँ पे लटकने वाले झूले भी है, इसमें एक साइड से दूसरे साइड को जाते हैं, साइकिल वाला भी है और झूले वाला भी है। गाइस हम यहाँ पे चिप्स और ड्रिंक लेंगे, हम लोग यहाँ पे चिप्स और ड्रिंक, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मुझे कैमरा घुमाना भी नहीं आता। तो हम तो खा रहे हैं फ्रूटी और चिप्स, थोड़ा खाए लगे। तो यहाँ पे पास में होटल था, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं खाने को, तो चिप्स और फ्रूटी हमने सोच बजे खा लेते हैं। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर, और आज के लिए फिलहाल वीडियो में इतना ही, और वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, करें लाइक, करें कमेंट, करें शेयर करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पर।